उपस्थित असलेले आमच्या विनंतीला मान देऊन उपस्थित राहिलेले श्री जे एस ग्रेवाल सर यांचा वेलकम करतो। तसेच हा कार्यक्रम घेण्यामागचे एक संकल्पना अशी होती की शेळक्या ॲग्रो इंडस्ट्रीज ही पूर्वी मॅन्युफॅक्चरिंग्समध्ये ॲग्रिकल्चर इम्प्लिमेंट ॲग्रिकल्चर ट्रेलर की जो काळ असा होता की ज्यावेळेस सातारा कोल्हापूरवरून सर्व ॲग्रिकल्चर इक्विपमेंट्स ट्रेलर्स आपल्या सातारा जिल्ह्यात यायचे, त्यावेळेस आमच्या वडिलांनी संभाजीराव कृष्णाजी शेळके जे की मेकॅनिकल इंजिनियर होते आणि त्यांच्या संकल्पनेतून ही कंपनी उभी राहिली आणि त्याच्यामध्ये ॲग्रिकल्चर इक्विपमेंट्स बनवत होतो। तर यामध्ये गणेश ट्रेलर नावाने आमचा ब्रँड होता आणि ज्यावेळेस इम्प्लिमेंटची गरज होती, यांत्रिकीकरणाची ओळख, हे ज्यावेळेस एखादा ग्रामीण भागातला तरुण जेव्हा शिकतो आणि त्याला त्या मातीशी नातं असतं आणि ते नातं कसं माझ्या शेतकरी बांधवांचे किती हाल होतात, म्हणजे मला सर आय शेअर्ड वन एक्सपिरियन्स ऑफ माय फादर जस्ट ही टॉक विथ मी की वेन वी कल्टिवेट अवर लँड अँड दॅट टाइम ही नीड अ ट्रॅक्टर सो ही वेटिंग फॉर 2 मंथ्स अँड देर इज ओनली वन ट्रॅक्टर परदेशी म्हणून आपल्या साताऱ्यातल्या माहीत असेल की परदेशी माळा होता करंजेतमधला की त्या परदेशींकडेच फक्त सर ट्रॅक्टर होतात आणि तिथे गेलं तर ते येणार शेती बघणार आणि सगळे दगड वगैरे काढायचे तुम्ही बाजूला मग ते नांगरायला सुरुवात, मग त्या ड्रायव्हर्स फॉर दॅट ड्रायव्हर यू हॅव टू ऑफर ऑल फॅसिलिटीज अँड फॉर दॅट ओनर ऑल्सो सो दॅट फील्स की इट्स नीडिंग इन सातारा आणि तिथून ती वडिलांची जर्नी सुरू झाली आणि त्यांनी तिथून ॲग्रिकल्चर इक्विपमेंट्स चालू करायला आणि ट्रॅक्टरचीच डीलरशिप घेतली नंतर आणि मग तो प्रवास सुरू झाला। आणि हा प्रवास ज्यावेळेस मी इंजिनिअरिंग पूर्ण करून आलो 2006 दिस बिझनेस अँड दॅट टाइम वेन माय फादर सेड की यू हॅव टू गो टू द फील्ड, तुम्ही फील्डवर जाऊन व्हिजिट करा, शेतकऱ्यांशी इंटरॅक्शन करा, जोपर्यंत तुम्ही फील्डवर जाणार नाही तोपर्यंत करणार। अँड दॅट टाइम वेन आय एम गोईंग टू द फार्मर्स अँड आय डिस्कस एव्हरी फार्मर सेड इन 2005-06 that he need tractor, intercultivation tractor. And that time also the only VST tractors manufacturing and they are waiting of 4 to 5 months and we have associated with Swaraj tractors but they don't have their technology and when we searched for them and where we visited to Pusa University that time the Indo-Japanese agriculture exhibition is there, so that time our Kubota stall is there and we look at and the journey will start. So Shelkya Agro Industries che asha paddhatine ha pravas suru zala ani 2010 sali jya veles aapi interview dala gelo tya veles Grewal sir ach hote ani aamchi flight miss zali due to climatic condition, sir aamche wait karat basle, sir you remember our interview is evening 9 o'clock, you had checked, so because our flight is in the evening but flight also missed, then we second day come back. तर अशा पद्धतीने हा प्रवास झाला आणि मी फर्स्ट टाइम पासून कुबोटा सोबत जोडला गेलो आणि शेळके ॲग्रो इंडस्ट्रीजची जर्नी ही वडिलांनी माझ्या सिंगल हँडेड मला हँड ओव्हर केली, सांगितलं की तूच बघायचं तूच कशा पद्धतीने, सो वेन वी स्टार्ट दॅट इज फर्स्ट इयर वी हॅव सोल्ड ओनली 35 ट्रॅक्टर्स अँड द जर्नी इज नाऊ वी सोल्ड 3500 ट्रॅक्टर्स इन द लास्ट 10 इयर्स, सो we give a technology to the farmer who need who believe in technology and who believe in farming, so asa ha pravas suru zala ani ya pravasamade Grewal sir he maje coaches rahile karan ki every conference they give us a example of book and they he every time sir blue ocean I remember that and he loves read and he motivate to all dealer to read the book because book is so and finally sir is written the book so I am very happy that sir written the book and firstly I read this, so when I read that book so I felt ki satara madhe aplyala barasya entrepreneur ahet ani sarvanna growth karayche sarva aple ithe baslelech ahet sagle manyavar, म्हणून हा एक प्रोग्राम घ्यायचा आणि आपल्या माणसाचं आपणच फेलिसेशन आणि आपल्यालाच
कौतुक केलं पाहिजे किंवा त्या एक गरज होती. आणि हे बुक एक आय ओपनिंग आहे, कारण की आपण ज्या वेळेस काय करतो, आपण बिझनेस करतो पण जी एनर्जी आपल्यामध्ये असते, जे स्वप्न आपण बघतो, ते आपल्या टीम मध्ये उतरवणं हे खूप इम्पॉर्टंट असतं टास्क. आणि त्या पॅशननं त्या जुनून टीम पण काम केली पाहिजे जे पॅशन आपल्यात आहे, आणि तेच लीडरशिप स्किल घेऊन आपल्याला दररोज उतरावं लागतं. कारण की प्रत्येक जण एक कारण घेऊन येत असतो, निगेटिव्ह एनर्जी घेऊन येतो, ती ब्रेक करायची, ती पॉझिटिव्ह मध्ये कन्वर्ट करून त्याच्यात परत एनर्जी भरायची, हेच आपला सकाळचा कार्यक्रम असतो. तर अशा टास्क मध्ये जर सिस्टमॅटिक वेने आपण गेलो तर आपण सक्सेस कसे मिळवू शकतो, हेच या पुस्तकामागचं रहस्य. आणि ते रहस्य मी मला जाणलं, पण मला असं वाटलं की माझे मित्र आहेत, बरेचसे कलिग्स आहेत, आमचे डीलर्स फ्रेंड्स आहेत, मॅन्युफॅक्चरर फ्रेंड्स आहेत, प्रत्येक क्षेत्रातले आहेत, तर प्रत्येकाला या अडचणी येतात. तर थोडस अशा प्रकारचे सेशन आपण पुण्या मुंबईला जाऊन हजारो रुपयाचे तिकीट केदारसे साखरे आहेत ते मला नेतात, म्हणतात मुंबईला चल हे सेशन आहे ते करूया, बरेचसे सेशन पण एवढे आम्ही करतो. तर मला वाटलं की साताऱ्यात पण व्हावं, ना साताऱ्यात आता फॅसिलिटीज पण आहेत चांगले, दॅट्स वाय. आणि सरांनी विनंतीला मान देऊन ते मी फर्स्टली म्हणलं, त्यांचं टाइम टेबल घेऊन केलं तर सरांनी लगेचच आपल्यासाठी इथं टाइम दिला. सो थँक्यू सर. इथून पुढे आपलं हे सेशन अजून छान होईल आणि इंटरॅक्टिव्ह होईल. मला वाटतं तुम्ही सर्वजण अटेन्शनली, कितीही महत्वाचं काम असलं तरी कार्यक्रम सोडून जाऊ नका, कारण की हे एक तास तुमच्या व्यवसायात आणि तुमच्या जीवनात तुमच्या स्वतःमध्ये भरपूर बदल घडवून आणण्यास मदत करते. थँक्यू व्हेरी मच. वेलकम सर, वेलकम टू सकाळ. ग्रेवाल सरांचं शेड्यूल खरोखरच खूप बिझी असतं आणि खूप मोठ्या कंपनीचे मॅनेजिंग डिरेक्टर आहेत आणि I thought okay, then I complete my BSc in next 2 years, but after that still I wanted to be an engineer. So fir uske baad, after doing my BSc, then I joined engineering, and next 4 years I completed my BTech, so double graduation ho gaya, and then I joined the job. To abhi background to aapko samajh aa gaya mera, I belong to Chandigarh, but uske baad I have lived in 7 cities. इंडिया 7 शहरों में रहा हूं मैं, और पुणे मेरा 7वां शहर है. तो वो कैसे हुआ? सो माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि बाहर जाने से कभी मत डरो, घर से जितना दूर जाओगे उतनी ग्रोथ मिलेगी. नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पास में रहो, है ना, दूर मत जाओ. बट ही वॉज वेरी क्लियर, ही सेड इफ यू वॉन्ट टू ग्रो गो अवे फ्रॉम होम. तो उसके बाद जैसे मैंने कैरियर स्टार्ट किया, तो आई वॉज फर्स्ट मेरी पोस्टिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली से आगरा, आगरा के बाद अगेन आई केम बैक टू लुधियाना, लुधियाना से आई वेंट टू लखनऊ, लखनऊ से आई केम टू चेन्नई मद्रास. तो लखनऊ से मद्रास आना हुआ. अब मद्रास, एक पंजाबी को आप मद्रास भेज तो क्या होगा. तो लोग बहुत बोलते थे कि आप कहाँ जाओगे, वहाँ इडली डोसा खा के कैसे रहोगे, बड़ा मुश्किल होगा, ये होगा. तो बट एक्चुअली मेरी बेस्ट जो टाइम रहा वो चेन्नई में रहा, एंड वी वर वेरी हैप्पी. आई स्टेड देयर ऑलमोस्ट 7-7 ईयर्स, 7 साल हम रहे चेन्नई में, और वहाँ आई ज्वाइंट कुबोटा, है ना, 2010 मैंने कुबोटा ज्वाइन किया. तो उस टाइम फिर आप जानते हैं कि वहाँ तमिल लैंग्वेज है चेन्नई में, तो वहाँ पर मेरी थी कि मैं तमिल सीखूं, जापानी सीखूं, दो लैंग्वेजेस सीखने का मेरा था कि जापानी सीखूं, तमिल सीखूं, जापानी सीखूं, तमिल सीखूं. तो करते करते मैंने दोनों नहीं सीख पाया. तो फाइनली आई वाज नॉट गुड एट बोथ, बट माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे जो हैं दोनों, वो दे नो तमिल, उन्होंने तमिल सीख ली. फिर उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई पुणे, आई केम टू पुणे, और पुणे आने के बाद फिर मेरा था मराठी सीखूं, जापनी सीखो, बट फाइनली अभी तक दोनों ढंग से नहीं सीख पाया. तो इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं मराठी में आज नहीं बोल पाऊंगा. मुझे पता है प्रेफर्ड लैंग्वेज है मराठी है, सब लोग चाहेंगे कि मैं मराठी में बोलूं, बट मेरी मराठी बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा. तो आई होप सबको कंफर्टेबल होगा, राइट? यस, ओके, गुड.
राइट, तो गोइंग टू आई थिंक आई कैन चेंज दिस राइट नोशन. बहुत सारी लंबी स्टोरी है और मुझे ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल, वन एंड हाफ ईयर, डेढ़ साल लगा, मतलब एक साल छः महीने का टाइम लगा इसको बुक लिखने के अंदर, क्योंकि मैं धीरे धीरे हर वीकेंड के ऊपर थोड़ा थोड़ा लिख रहा था. बट इसके पीछे एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपको बताता हूँ. 5 से 6 लोग बैठे थे ग्रुप में और बात कर रहे थे, तो बोली बड़ा क्लियर है इनमें से बॉस कौन है. तो मैंने कहा कैसे इसमें क्लियर है कि कौन बॉस है. कह रहे जो बोल रहा है वो बॉस है, बाकी तो सिर्फ मुंडी हिला रहे हैं, बाकी तो नहीं बोल रहे. तो देखिए कितना टिपिकल है. सो मैंने जस्ट एक पिक्चर, एक्चुअल पिक्चर नहीं है बट आई जस्ट फॉर इंटरनेट आई जस्ट, तो मतलब समथिंग लाइक दिस. तो एक आदमी बोल रहा है और बाकी लोग सिर्फ सिर हिला रहे हैं. तो देन मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा कैसे हम लोग एज ए बॉसेस हम कैसे कभी कभी बिहेव करते हैं कि हमें लगता है बस सारा ज्ञान हमारे पास ही है और हमें बस बांटने का है ना. और हम मैसेज करके अपने टीम मेंबर्स को हमेशा बताते रहते टेल 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 करते रहते हैं ना, राइट. वो ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही ब्रेन दिया है, मतलब ये एवरेज साइज ऑफ द ब्रेन इज, मतलब एवरेज मतलब ज्यादातर लोग मतलब जो हैं हमारे, मतलब दिस इज द साइज ऑफ अवर ह्यूमन ब्रेन. तो किसी को ऐसा नहीं है कि 50,000 न्यूरॉन वाला दिया है, किसी को 150 न्यूरॉन वाला दिया है, ऐसा कुछ नहीं है. तो सबका पोटेंशियल सेम है. तो अब अगर हम इस चीज को समझें और अब ये पिक्चर को हम दोबारा देखें तो इसमें आपको क्या लगता है कितने ब्रेन एक्टिव है ना, कितने दिमाग एक्टिव है ना. जब मैं बोल रहा हूं एक्टिव का मतलब ये है कि कितने लोग सोच रहे हैं क्या करें कैसे करें और बेहतर तरीका क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं. कितने लोग आपको लगता है इसमें सोच रहे हैं ऐसा क्योंकि बाकी तो सिर्फ सुन रहे हैं ना. तो एक का ही ब्रेन एक्टिव है और बाकी सिर्फ सुन रहे हैं या कुछ शायद कुछ और सोच रहे होंगे या कि कब खत्म करेगा ये, तो फिर हम यहां से निकलेंगे फ्लाइट जल्दी चालू हो जाए. तो नॉर्मली दैट्स हाउ वी डू है ना, हम बताते. तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो टीम मेंबर हैं वो एनकरेज होते हैं, इंस्पायर होते हैं, मतलब उनको एनकरेजमेंट होती है कि हाँ ये सब बहुत बढ़िया हमारे से बात कर रहे हैं और ये सब. तो कहीं ना कहीं क्योंकि हर एक चाहता है कि उसका ब्रेन एक्टिव हो, उसके आइडियाज भी सुने जाएं. तो और वो जो लोग उसके साथ बैठे हैं वो फॉलोअर्स हैं. तो वो बॉस तो अपने आप को कहला सकते हैं, मतलब ही मे बी ए बॉस बट ही इज नॉट ए लीडर है ना. आप लोगों ने मतलब कई लोगों ने हाँ या ना किया, मुझे मैंने देखा. तो डेफिनेटली मतलब एक लीडर के लिए क्या एक रिक्वायरमेंट है, बेसिक एक लीडर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट या फॉलोअर होने चाहिए है ना. आप आई डोंट नो मराठी में कैसे बोलेंगे कि लीडर को चेले चेला फॉलो वाले तो चाहिए ना पीछे, नहीं तो लीडर बोले मैं अकेला लीडर हूं मेरे पीछे तो कोई नहीं है तो लीडर थोड़ी ना होगा. तो इसलिए कई बार वो लोग बोलते थे मैं लीडर हूं बट लीडर के लिए देर नीड टू बी फॉलोअर्स. और फॉलोअर्स वो होते हैं जो मतलब उसकी तरफ उसके साथ हैं कि हाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, सिर्फ टाइटल के लिए नहीं बट सचमुच दिल के साथ, राइट. ओके, तो नाउ दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जो मेरी बुक का है ना, एवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप है ना. तो मैंने जस्ट उसमें से कोट ये डाला है कि योर टाइटल कैन मेक यू अ मैनेजर, योर पीपल मेक यू अ लीडर. आपका जो टाइटल है आपको मैनेजर बना सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बना सकता है, बट आपके लोग जो हैं वो आपको लीडर बनाते हैं, है ना. आप खुद अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकते लीडर, लोग कहना चाहिए ये मेरा लीडर, राइट. तो इस बुक में मैंने ये कहने की कोशिश की है कि बहुत सारे, क्योंकि हम अभी मेरा ऑलमोस्ट 34 ईयर्स हो गया अभी कैरियर में, तो आई वर्क विद बहुत सारे इंडियन और जापानीज लीडर के साथ मेरा काम करने का हुआ. और नॉर्मली मैं देखता हूँ कि लीडरशिप स्टाइल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, क्योंकि लीडरशिप कहीं पढ़ाई नहीं जाती. किसी ने स्कूल में पढ़ी लीडरशिप,
कोई था कोर्स लीडरशिप का? आप हैरान होंगे, एमबीए में भी कोर्स नहीं है, है ना? मैंने आईआईएम कलकत्ता से एक साल का प्रोग्राम किया, उसमें भी लीडरशिप के ऊपर लेक्चर्स थे कुछ, बट किताब कोई नहीं है कोई, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट पे किताब है, कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी पे है, बहुत सारी किताबें, मोटी मोटी किताबें, कोई ऐसी किताब नहीं जिसके ऊपर लिखा हुआ लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, ऐसी कोई बुक मुझे तो दिखी नहीं एमबीए के अंदर। तो लीडरशिप कहीं पढ़ाई नहीं जा रही, तो लीडर अपने स्टाइल से ही सब चला रहे हैं, जिसका जो स्टाइल धीरे धीरे उसने एक्सपीरियंस से सीखा वैसे ही लीडरशिप चल रही है। तो कोई तो बहुत अच्छा बॉस बन जाता है, लोग कहते हैं साहब मेरा मालिक बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं अच्छे, और कोई बोलते हैं मेरा तो बहुत ही खड़ूस है, बहुत परेशान करता है। बिजनेस में देने वाला कोई तो होता है, तो कहीं ना कहीं से तो स्ट्रेस आता है, तो एक ह्यूमन ही दूसरे ह्यूमन को स्ट्रेस दे रहा है ना, एक आदमी दूसरे आदमी को स्ट्रेस दे रहा है सबसे पहले तो दैट्स वेयर आई थॉट कि किताब ऐसा लिखना चाहिए जिसमें हम कैसे एक कम स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में भी लीड कर सकें और बिजनेस को ग्रो कर सकें। या आपने उसका एक नया यूनिट खोला तो आप बिजनेस को बढ़ा रहे हैं ना, राइट? तो आप धीरे धीरे एक लीडरशिप की लैडर में ऊपर जा रहे हैं, तो उस टाइम पे कि क्या ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं या ये इंपॉर्टेंट है आपकी टीम क्या कर रही है। तो जब आप लीडरशिप की लैडर में ऊपर जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितना काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम कितना काम कर रही है ना। क्योंकि हो सकता है टीम आपकी पुणे में बैठी हो, आपकी दो तीन ब्रांचेज हैं, दो तीन फैक्ट्रीज हैं, अलग अलग जगह पे लोग बैठे हों, दूसरी सिटी में बैठे हों, क्योंकि ऐसे बिजनेस एक्सपैंड होता है तो लोग आपसे दूर बैठते हैं, अलग अलग जगहों पर बैठते हैं, तो उस टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि आप भी क्या कर रहे हैं, राइट? तो दैट्स व्हाट आई मेंशन कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट व्हाट योर टीम डज। मैंने एक फोटो डाली है इधर, आप लोग सब पहचानते होंगे, जमशेदजी टाटा। तो इन्होंने टाटा की स्टार्ट की थी बहुत साल पहले। अगर ये सोचते कि मैं ही कर लेता हूं सारा, एक दो लोग रख लेते हैं और एक्सपेंड करते हैं बिजनेस को, आज टाटा एम्पायर खड़ा होता। वही अंबानी जी सोचते हैं कि अकेले ही बिजनेस खड़ा कर लेते हैं तो आज इतना बड़ा अंबानी या रिलायंस का एम्पायर ना खड़ा होता। तो ये बिजनेसेस अगर बड़े हुए हैं तो किस करके हुए हैं? लोगों का, टीम करके, जो उन्होंने टीम्स बनाई जो आगे, क्योंकि आज के दिन तो प्रोफेशनल कंपनीज हो चुकी हैं, बहुत से मालिक जिन्होंने शुरू की थी वो है नहीं है, पर बिजनेसेस चल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, राइट? उनके कई कईयों की तो फैमिलीज भी नहीं है उसमें इन्वॉल्व। तो ये होता है कि फाइनली आपकी टीम क्या कर रही है, वो धीरे धीरे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता है आपके लोग क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है। मैं आपको सिंपल इन लैंग्वेज में समझा देता हूं कि ये वही वाला इशू है, ब्रेन वाला ही, कि हमें लगता है कि मैं अपनी टीम के अंदर मैं ग्रेट हूं, मैं अपनी टीम को अपनी ग्रेटनेस दूं, मैं उनको समझाऊं क्या करना है, मैं उनको सिखाऊं, मैं उनको ये करूं, मैं उनको कि ये लोग तो कुछ करते नहीं है बस मैं ही समझा सकता हूं, ऐसा कुछ मतलब कई बार आदमी सोचता है। बट हर आदमी के अंदर, जैसे हमने बात की 86 बिलियन न्यूरॉन है ना, 8600 करोड़, तो हर एक के अंदर पोटेंशियल है। तो किसी आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है उनके अंदर, निकालने की जरूरत है। ग्रेटनेस ऑलरेडी उनके अंदर है, राइट? तो ग्रेटनेस कहीं से बाहर से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पता आज पेमेंट लेके आनी है, आपने उसको इतना अच्छा डेवलप किया हुआ है कि आप यहां पे सेशन अटेंड कर रहे हैं और वहां पे वो आदमी चेक्स लेने निकल गया है। तो ये होती डेवलपमेंट, ओनरशिप और एंगेजमेंट। हर आपको हर टाइम बताने की जरूरत नहीं, ये करो ये करो ये करो, राइट?
ठीक है, और इंस्टिल्स फियर जनरेट्स एंथुसियाज्म। तो एक तो डर से काम करवाना, एक होता है उत्साह से काम कराना। तो जो लीडर होगा वो उत्साह से काम कराएगा, ना कि डर से। पुशेस फॉर रिजल्ट, इंस्पायर्स ओनरशिप, टेल्स आस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा नॉर्मली क्या होता है जब हम बात करते हैं अपनी टीम से, कभी टेल 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 टेल, फिर बीच में एक आधा कोई आस्क, फिर टेल 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 टेल, तो आस्क तो हम करते नहीं कभी। आपके माइंड में क्या है, आप क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है कोई इससे बेहतर तरीका है, ऐसा तो कभी नहीं पूछते। मतलब नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आप में से बहुत सारे लीडर्स जो करते होंगे, बट नॉर्मल जो एक टेंडेंसी रहती है ना। स्पीक एंड लिसन, तो वही जैसे हमने शुरू में देखा कि बोलना और सुनना, ये फर्क है। और उससे क्या होता है कि आप एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट तो ले सकते हो कि अभी आप जाके आज ये काम कर लो, तो शॉर्ट टर्म तो ठीक है रिजल्ट कुछ आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर बिजनेस की करनी है तो उन लोगों को हमें ओनरशिप लेवल पे लाना पड़ेगा कि उनको लगे मेरा ही बिजनेस है, मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, मैं साथ जुड़ा हुआ इस बिजनेस के अंदर। अगर आज टाटा कंपनी के लोग, मतलब टाटा में लोग काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग होगी कि वो अच्छी कंपनी है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग बहुत बार बात करते हैं टाटा की बहुत अच्छी कंपनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा किया होगा उन्होंने, कुछ तो लोग जुड़े होंगे उस कंपनी के साथ कि उनको लगता होगा ये मेरी कंपनी है, राइट। तो दैट इज द ओनरशिप। सो उससे क्या फाइनली क्या होता है कि जो बॉस होता है ही कमांड्स अथॉरिटी, है ना। वो अथॉरिटी तो कमांड कर सकता है, बट ही कैनॉट कमांड रिस्पेक्ट। तो लीडर जो होगा वो ही विल कमांड रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट पैसे से नहीं आती, है ना। रिस्पेक्ट पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ कोच। इनकी बात करें, क्योंकि कोचिंग एक स्पोर्ट्स की कोचिंग भी होती है ना, हम बच्चों को भेजते हैं ना आज क्रिकेट सीख के आओ, ये वो एक कोचिंग रहती है, बट ये अलग है। ये अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस कोचिंग की, और बिजनेस कोचिंग में जो होता है उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती, कुछ बताया नहीं जाता कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। जो बिजनेस कोच का काम क्या होता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछना कि जिससे आपका खुद ही माइंड इतना एक्टिवेट हो जाए कि आप अपने लिए खुद अच्छा एक सोल्यूशन ढूंढ सकें। दैट इज बिजनेस कोचिंग। सो इंग्लिश में इसका जो टर्मिनोलॉजी है कि कोचिंग इज अनलॉकिंग पीपल्स पोटेंशियल टू मैक्सिमाइज देयर ओन परफॉर्मेंस। तो आप जैसे फोटो देख रहे हैं, तो कोच का काम है ताला खोलना, माइंड का ताला खोलना, क्योंकि आंसर सारे हैं अंदर, आंसर सारे ऑलरेडी हैं अंदर, सिर्फ उसका काम है लॉक खोलना। तो वो ये दैट इज बिजनेस कोचिंग, राइट। कोच हैं और एक कोच करेंगे, और कोच पता कहाँ बैठे थे जिनसे मेरी कोचिंग होनी थी, नेदरलैंड्स। ही वाज एक्चुअली इंडियन, मतलब इंडियन थे, साउथ इंडियन कार्तिकन, तो पर वो बैठे थे नेदरलैंड्स में, और नेदरलैंड से उस टाइम जूम कॉल थी, जूम कॉल के ऊपर वो मेरी कोचिंग कर रहे थे। आप इमेजिन कीजिए, उनको कोई आइडिया नहीं मेरे बिजनेस का, कुछ नहीं। वहां से उन्होंने कोचिंग सेशन किया, और उनका फर्स्ट क्वेश्चन पता मुझे क्या था, आपका गोल क्या है, व्हाट्स योर गोल इन लाइफ। आपसे कभी पूछते हैं कोई क्वेश्चन किसी ने? तो आपका गोल क्या है लाइफ के अंदर, मुझे आज तक नहीं पूछा था किसी ने ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो मुझे तो था कि मुझे क्या होना, मैंने कहा मुझे, मेरा गोल है कि मुझे कंपनी का एमडी बनना। तो उस टाइम मतलब बहुत बड़ा सा गोल था, क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट था, और हमारी कंपनी के अंदर, क्योंकि जैपनीज कंपनी को वोटर, तो हमेशा जैपनीज एमडीज आते थे, वहां से उनका 3 साल का रहता, और वो आके 3 साल काम करके वापस चले जाते, फिर नेक्स्ट एमडी आता था। तो जैपनीज कंपनी में नॉर्मली जैपनीज एमडीज ही रहते हैं। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा एमडी बनने का। बोले अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मैंने कहा अभी तो मैं जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग ही देख रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे और भी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। बोले कैसे? मैंने कहा एचआर के अंदर, फाइनेंस के अंदर, और डिपार्टमेंट्स में मुझे थोड़ा देखना चाहिए, तभी मैं राइज कर पाऊंगा, या तभी मुझे लगेगा उनको, बॉस को, कि हाँ ये कर रहा है। तो फाइनली उसे हाँ ठीक है तो करो,
तो करो, तो धीरे धीरे प्लीज। तो 2020 में ये कोचिंग शुरू हुई है ना, दो तीन सेशंस हुए कोचिंग के और फाइनली सब उन्होंने मतलब तीन या चार सेशन दिए होंगे मेरे 15-15 दिन के बाद। और ये हमेशा यही होता था कि क्या करोगे, उन्होंने कभी नहीं बताया क्या करना है तुम्हें, है ना, क्वेश्चन यही था क्या करोगे, है ना, तो ओके अकॉर्डिंगली। और एग्जैक्टली तीन साल बाद 2023 जनवरी में आई बिकेम द MD ऑफ द कंपनी, मैं MD बन गया कंपनी का। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने तो ये बोला था उनको मैं MD बनना चाहता हूँ 3 साल पहले, और तब तो ये लगता था इम्पॉसिबल सा क्योंकि जैपनीज कंपनी में इंडियन MD तो कभी नहीं होते। और फिर बड़े लोगों का मुझे आने लगा उस टाइम पे, बहुत आई थिंक क्रिएटिव्स बने, लोगों ने बनाए भेजे कि फर्स्ट इंडियन टू बी MD ऑफ ए जैपनीज कंपनी और ऐसा ऐसा करके आया। तो मैंने कहा अरे ये तो कुछ खास बात हुई है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ रियली बड़ा हुआ या कुछ अच्छा हुआ कि एक जैपनीज कंपनी में उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस किया कि एक MD की पोजीशन मुझे मिली। बट मैं स्टिल अभी बोलता हूँ कि वो जो कोचिंग हुई उस टाइम पे मेरी, उसका बहुत बड़ा हाथ है मुझे उस तक पहुंचने के लिए। तो तब मुझे रियलाइज हुआ द पावर ऑफ कोचिंग। हमें लगता है कोचिंग क्या चीज है क्या है, बट पावर ऑफ कोचिंग मुझे उस टाइम समझ हुआ। और मैंने सोचा कि ये इसको तो स्टडी करना पड़ेगा अभी। तो मैंने उसके बाद फिर खुद मैंने ट्रेनिंग ली कोचिंग की, है ना, एक NLP करके टेक्निक रहती है, तो NLP कोचिंग का मैंने पूरा कोर्स कर दिया। मैंने कहा कोर्स करते हैं और एक सीखते हैं कोचिंग को, तो फिर मैंने कोचिंग प्रोफेशनली सीखी पूरी और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ देन अपनी टीम के साथ बात करने में, है ना। तो ये पावर है कोचिंग की, है ना। तो अभी हमने लीडरशिप की बात की और हमने कोचिंग की बात की, तो अब ये दोनों कंबाइन कर दें तो कितना अच्छा है। तो ये आपने देखा जो सब्जेक्ट मेरी बुक का है लीडर एज ए कोच, है ना, लीडर एज ए कोच, कि ये दोनों कंबाइन हो जाएं तो कमाल हो जाएगी। तो यहां से ये बुक का मेरा थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और कोचिंग में करते क्या है, सी कोचिंग में जैसे मैंने आपको बताया कोचिंग में उसने मुझे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या है। कोचिंग इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, कोचिंग इज अबाउट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, है ना। बट वो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड, एक होते हैं ओपन एंडेड। किसी को आइडिया है क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, सुना कभी? यस, जैसे ये आइडिया आपको अच्छा लगा, हाँ ये आइडिया आपको अच्छा लगा, नहीं तो मतलब पर्सन कैन आंसर ओनली यस और नो, है ना। आज तुम चेक कलेक्ट कर पाए, नहीं, तो लाइक दैट, है ना, तो सिंपल आंसर कैन बी दैट। बट ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसा रहता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जिसमें आंसर एक यस या नो में दिया ही नहीं जा सकता। तो वैसा क्वेश्चन कैसा हो सकता है, इस महीने अगर हमें कलेक्शन बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए, अभी आप यस नो इसका आंसर दो, नहीं पॉसिबल, राइट। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, जैसे मैं आपको पूछूं आज के सेशन से आप क्या सीखना चाहते हैं, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा मैं क्या सोचना है, क्या लेना चाहता हूँ, क्या सीखना चाहता हूँ, क्या सीखना चाहता हूँ, माइंड एक्टिवेट होगा आपका, फिर आप सोचेंगे कुछ लिखेंगे, राइट। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है ना वो आपको सोचने को मजबूर करता है, और जब आप सोचते हैं तो आइडियाज आते हैं, अच्छी थॉट्स आती हैं, आपका माइंड एक्टिवेट होता है ना, सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो यही काम है कोचिंग कोच का, कि आपके माइंड को एक्टिव करके आप ही से सॉल्यूशन निकालना, राइट। अब ये है कि इससे पहले मैं जाऊं, मैंने एक बुक के अंदर लिखा स्टॉप टेलिंग स्टार्ट आस्किंग, है ना। तो आपने कभी सुना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं लीडर का काम क्या है कि मैं बस नॉलेज और एक्सपर्टाइज अपनी बांट दूं लोगों को बस, है ना। तो बहुत बार
लीडर ने उनसे साइड पे मतलब लीडर ने जो ठीक है और एटमॉस्फेयर जो है वो हल्का रखना है जिससे कि काम बढ़ेगा. और दूसरा फाइंडिंग था लर्निंग बाय डूइंग. एंड टुडेज लीडर्स आर नॉट ओनली आस्किंग but they are telling and they are involving in those projects which we are handing over. Unko involve karna chahiye. Yes sir. Yes. Become better and we can also learn from them many things. Right. Great. Apne team ko involve karna chahiye. Har idea unke paas se share karna chahiye. Unka bhi idea humko lena chahiye. Aur each 2 years or 3 years mein new generation apni company mein apne जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं उसमें आने चाहिए आगे भी. तो अपना हम सबको न्यू न्यू आइडिया आ सकते हैं और जो जनरेशन भी चल रहा है वो भी पता चल सकता है. और एनवायरमेंट आस्था खेलता रहना चाहिए. जो सीरियस टाइम है सीरियस ही रहना चाहिए. तो बात ये लोग करते रहते हैं लेकिन आपने जो 3 मिनट के बाद टाइम खत्म कर दिया ये मेरे को बहुत अच्छा लगा. गुड इवनिंग सर. एक्चुअली आपने जो कोट्स यहाँ पे प्रेजेंट किए वो बहुत ही अच्छे कोट्स हैं. उन्हीं कोट्स से मुझे 2 कोट्स जो मैंने पढ़े हैं वो मुझे याद आ रहे हैं. उसमें जो फर्स्ट वाला है जो रिचर्ड बैंसन का है, यू डोंट बिल्ड बिजनेसेस यू बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड बिजनेसेस, ये फर्स्ट वाला. और सेकेंड वाला टोनी रॉबिन्स का, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क. तो इसका जो टोटली जॉइंट वेंचर इस टोटली ट्रेनिंग सेशन में मुझे लगा कि जिससे मैंने जो यहाँ से जो नोट्स अभी लिए हैं वो है जर्नी फ्रॉम बॉस टू लीडर एंड लीडर टू कोच. क्योंकि पीपल बिल्ड करने के लिए आपको लीडर तो होना जरूरी है लेकिन कोच की सोच भी जरूरी है. सो थैंक यू फॉर दैट. और क्लोज एंडेड नहीं ओपन एंडेड उनको क्वेश्चन पूछने की जैसे सेल्स बढ़ा सकते हैं क्या कर सकते हैं. सर ओके थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो आई थिंक मेरा तो ऑलमोस्ट काम हो गया. तो सारी लर्निंग पहुंच गई है ऑलरेडी. ये भी क्या किस टाइप के आंसर्स आप देते हैं ना. अब ये किस टाइप के क्वेश्चन और आंसर्स हो सकते हैं. तो मैंने अपनी बुक के अंदर ही मेरा एक चैप्टर है जो मेरा फेवरेट चैप्टर है एक्चुअली, वो है मूविंग फ्रॉम वाई टू व्हाट, है ना. तो इंग्लिश के अंदर 2 रहते हैं. एक कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं वाई के साथ, कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं व्हाट के साथ, है ना. क्या कारण था कि वो काम नहीं कंप्लीट हो पाया या काय कारण आहे जे तुम्ही ये काम करू शकले नाही. अभी फोकस किस चीज पे है? कारण पे, है ना भैया. कारण क्या है तो फिर आपको बताएगा सचमुच क्या दिक्कत है और हो सकता है आपको सोल्यूशन भी बताएगा वो अगर आपसे पूछेंगे उससे, राइट. Right. So that is the difference between किस टाइप का क्वेश्चन हमें पूछना है. किसी ने आगे बता दिया कि साहब मार्केट के अंदर ये चल रहा है, आपने सोचा यही दुनिया है सारी, ऐसा ही हो रहा है सब जगह पे, आपने खुद जाके देखा ही नहीं और उसके बेस पे आपने डिसीजन ले लिया, राइट. तो जी क्या है? गोल. जैसे मैंने आपको बताया और जो कोच था उसने मुझे पूछा कि आपका गोल क्या है, तो मैंने कहा हाँ मैं कंपनी का एमडी बनना चाहता हूँ. तो सबसे पहले कोच आपसे क्या पूछेगा या आपको अपनी टीम से अगर बात करनी है, आप क्या करना चाहते हैं, है ना, क्या अचीव करना चाहते हैं. तो सबसे पहले होता है गोल, कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट. उस टाइम उस आदमी का माइंड चलना शुरू होता है. फिर वो होता है ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं. ओके, तो अभी क्या चीज आपको रोक रही है करने के लिए? काम कर सकते हैं तो करिए. कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. स्वामी विवेकानंद जी को आप सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं जानता होगा. और उनकी उनकी एज कितने पे उनकी डेथ हुई आप जानते हैं? 39. सिर्फ 39 ईयर्स इस धरती पे रहे वो. और 39 क्या होती है एज, है ना. हमारे काफी लोगों से कम एज है बट आज भी सब लोग उनको याद रखते हैं, सब जानते हैं, सब उनकी लर्निंग पढ़ते हैं, राइट.
तो सो दैट्स द काइंड ऑफ सो उन्होंने ये बोला था कि द होल जो भी है ना ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो ये हर आदमी को पोटेंशियल दिया गया है कि कुछ भी कर सकता है अगर वो करना चाहे. मतलब हमारा गोल क्या है, रियलिटी में क्या है, मतलब अभी चैलेंजेस क्या है, उसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं और हाउ टू डू नेक्स्ट, ये इस सेशन में सीखा. और एनएलपी के बारे में आपसे अभी मालूम हुआ, तो एनएलपी ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा टेक्निक है जो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें एनएलपी एक बार सीखना चाहिए. फीमेल सबके लिए ऐसा यूज होता है. सो अगर जैसे कोई लेडी है तो प्रिया सैन, उसको भी सैन ही होगा. तो ये भी खासियत है कि ये मतलब इट्स जेंडर एग्नोस्टिक, तो हर जेंडर के लिए यूज होता है. तो हमारा ऐसा कल्चर बन गया हमारी कंपनी के अंदर कि हमारा जो ऑफिस बॉय है जो चाय पिलाता है वो भी प्रदीप सैन, उसको भी हम ऐसे ही बुलाते हैं प्रदीप सैन चाय. तो सो दैट हर आदमी एक जो चाय पिलाना है अपना लड़का है ऑफिस बॉय से लेके एमडी हैज सेम रिस्पेक्ट इन द कंपनी. ईड्स आएंगी, जो भी रॉयल्टी आएगी वो सब चैरिटी में मैं दूंगा फॉर एजुकेशन ऑफ अंडरप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन. तो बुक में मैंने लिखा है कि स्पिरुल फाउंडेशन है उनको मेरी सारी इसकी प्रोसीड्स बुक की जाएंगी. तो आई विल इनकरेज यू आप बुक पढ़ें. आप प्रवीण जी ने आई थिंक योर नंबर्स आर टारगेट्स, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, है ना. तो टाइम के आप लेट नहीं हो सकते. सो आई थिंक दैट इज द थिंग, अगर आप इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम समझें, अगर क्योंकि अभी हमारी कोई मीटिंग अगर एक मिनट भी लेट स्टार्ट करते हैं हम या होती है तो सबको सॉरी बोलना पड़ता है कि लेट हो गए एक मिनट भी बाद. तो आई थिंक दैट वॉज वन गुड लर्निंग. तो हमारी मीटिंग हमेशा टाइम पे स्टार्ट होती थी, बट आई फाउंड कि मीटिंग्स टाइम पे क्लोज नहीं होती थी, तो वो मीटिंग चलती रहती थी, है ना. तो जापानीज में स्टार्टिंग का टाइम एकदम परफेक्ट था, क्लोजिंग ओपन थी. अब ये लीडर के ऊपर आया कि उनको मोल्ड करके कैसे उनको अपने साथ जोड़ सके, उनको अच्छा बना सके और अपने बिजनेस के लिए अच्छा बना सके, क्योंकि लोग सब अच्छे ही होते हैं. Shake Agro Industries and today's program. Thank you for being present here, Patil sir, in making this program successful. This year, Chandrakant sir, we will greatly. So thank you, Digital Technology, for your huge contribution. From the entire Satara team, thank you so much for your presence. The Travel Association Chairman of Satara. You have a great question. 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 You have a great question.